हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर नीलम ऑफिशियल। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ डीमेलैन क्रीम के बारे में कंप्लीट रिव्यू करूंगी कि डीमेलैन क्रीम को बेसिकली किन पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसमें कौन से कंटेंट्स पाए जाते हैं, इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और किन कंडीशंस में आपने प्रिकॉशंस लेनी है। तो डीमेलैन क्रीम के बारे में कंप्लीट रिव्यू आज की वीडियो में आप जान सकते हैं। तो व्यूअर्स, डीमेलैन क्रीम के अगर हम इंग्रेडिएंट्स देखें तो इसमें ग्लाइकोलिक एसिड 10% है, आरब्यूटिन 5% है और कोजिक एसिड 2% है। ये तीन कंटेंट्स इसमें पाए जाते हैं। अब हम हर इंग्रेडिएंट की वर्किंग के बारे में देखते हैं। तो ग्लाइकोलिक एसिड जो है, इसमें इंग्रेडिएंट जो 10% पाया जा रहा है, ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है जो कि स्किन की डेड लेयर को रिमूव करता है। स्किन की जो सेल्स डेड हो जाते हैं, जो वर्किंग करना छोड़ देते हैं, ये डेड स्किन को एक्चुअली पील ऑफ कराता है और जो स्किन की अपर डेड लेयर होती है ये उसको आहिस्ता आहिस्ता से रिमूव करवाता है और नीचे वाली फ्रेश स्किन जो होती है उसको एक्सपोज कराता है, जो बहुत ज़्यादा लाइट होती है, क्लियर होती है। सेकेंड है इसमें आरब्यूटिन। आरब्यूटिन हाइड्रोक्विनोन डेरिवेटिव है और ये एक प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिसका नाम है बेरबेरी प्लांट, उससे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसका काम ये है कि ये मेलानिन के रिलीज को कम करता है। मेलानिन जो है ये वो पिगमेंट है हमारी स्किन का जो हमारी स्किन को डार्क करता है। जितना ज़्यादा मेलानिन होता है उतनी ही ज़्यादा स्किन डार्क होती है। तो वो इंजाइम जो मेलानिन की प्रोडक्शन करवाता है, आरब्यूटिन उसकी रिलीज को कम करता है और इस तरह से मेलानिन को कम बनाता है। कोजिक एसिड, कोजिक एसिड भी स्किन को लाइट करने में बहुत ज़्यादा मदद देता है, लेकिन इसको अगर किसी और चीज़ों के साथ कम्बिनेशन में इस्तेमाल किया जाए तभी कोजिक एसिड इफ़ेक्टिव है, वरना अगर इसको हम अकेला सिंपल कोजिक एसिड इस्तेमाल करेंगे उतना इफ़ेक्टिव नहीं है। ये स्किन को लाइट करने में बहुत हेल्प करता है। अगर हम डिमेलिन क्रीम के ओवरऑल बेनिफिट्स को देखें तो इसको फेस पर किसी भी तरह के ब्लैक स्पॉट्स यानी काले धब्बे वगैरह ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। काले धब्बे जैसा कि एक्नी स्कार जो कि एक्नी के बाद बन जाता है काला धब्बा, उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कील मुहासों के बाद आपके चेहरे पे कोई काले धब्बे या निशानात रह जाते हैं तो उन स्पॉट्स वगैरह को ख़त्म करने के लिए इस क्रीम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके अलावा मेलास्मा की कंडीशन में इसको, जिसमें आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो जाती है, इसको हाइपर पिगमेंटेशन भी कहते हैं, मलाजमा की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इस क्रीम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। उसके अलावा फ्रैकल्स वगैरह को ख़त्म करने के लिए भी इस क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। इसको एंटी एजिंग के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये स्किन को लाइट करता है, क्लियर करता है। ये बेसिकली ये स्किन वाइटनिंग क्रीम नहीं है, ये स्किन लाइटनिंग और क्लियरिंग क्रीम है। ये स्किन को क्लियर करती है, आपकी स्किन से हर किस्म के दाग धब्बों को ख़त्म करती है और स्किन को एक लाइटनिंग और क्लियर इफ़ेक्ट देती है। अब बात करते हैं कि इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है, हाउ टू अप्लाई दिस क्रीम। इसको आपने रात को सोते वक्त ही अप्लाई करना है, बेड टाइम पर। ये नाइट क्रीम के तौर पर आपने इस्तेमाल करनी है तो ही आप इसके 100% इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स देख सकेंगे। आपने रात को सोने से पहले अपने फेस को अच्छी तरह से किसी फेस वॉश से वॉश कर लेना है, उसके बाद आपने इस क्रीम को अपने फेस पर अप्लाई करना है। फेस ड्राई करने के बाद इस क्रीम को आपने अच्छे से अपने स्किन के ऊपर अप्लाई कर लेना है। आप इसको नेक पर भी अप्लाई कर सकते हैं और इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह, आपने पूरा फेस कवर करके इसको अच्छे से अप्लाई करके आपने सो जाना है और सुबह उठ के आप अपना फेस दोबारा से वॉश करना है। आप इस क्रीम को लगाने के बाद कोई भी लोशन, मॉइस्चराइजिंग लोशन भी लगा सकते हैं, लेकिन क्रीम लगाने से पहले आपने कोई लोशन अप्लाई नहीं करना। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो इससे आपकी स्किन जो है वो ड्राई हो सकती है अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है। रेडनेस ज़्यादा हो सकती है, स्किन पर जलन की फीलिंग हो सकती है, स्केलिंग यानी आपकी स्किन जो है वो पील ऑफ होती हुई आपको नज़र आएगी। उसके अलावा प्रिकॉशंस यानी कब आपने इस क्रीम को अवॉइड करना है, तो आपने क्या करना है कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है आपने इस क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना,
और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ड्राई स्किन है तब भी आप इस क्रीम को इस्तेमाल ना करें। उसके अलावा जब आपने इस क्रीम का इस्तेमाल करना है आपने सन एक्सपोजर को बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है, आपने धूप में नहीं जाना है या बहुत कम जाना है, और अगर आपने धूप में जाना है तो आपने सनस्क्रीन का इस्तेमाल लाजमी करना है, आपने कोई ना कोई सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करके ही आपने जाना है बाहर धूप में। अगर आप ये डीमेलिन क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप इसको लगाने के बाद धूप में जा रहे हैं तो इससे आपके रिजल्ट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि जो सन एक्सपोजर है वो आपके इस के इफ़ेक्ट को जो है वो डैमेज कर सकता है। तो व्यूवर्स, ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन डीमेलिन क्रीम के बारे में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।